अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप थोड़ा ऑफिस से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमने अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर किसी भी किस्म के टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से एक लॉन्ग शेडो को किस तरीके से बनाना है। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट का आप लोगों को निशान मिलना होगा जी। सबसे पहले आप लोगों ने कोई ना कोई टेक्स्ट ले लेना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई ना कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर इसको आपने डिलीट करना है। एक सिंपल सा टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना नाम। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया। नाम लिख लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल जो सा आप लोगों को सूट करे आप लोगों ने वो लेना है। जो मुझे सूट करेगा मैं उसको ले लूंगा। जिस तरह के अगर हम यहाँ से ये बड़ा ले लेते हैं एंड यहाँ से इसको रेगुलर के बजाय थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि सेम ये वाला मेरे सामने आ चुका है जी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको पकड़ना है, थोड़ा सा और बड़ा कर ले। शिफ्ट के साथ मैं बड़ा कर रहा हूँ जी यहाँ तक। और इसी को आर्ट के साथ एक कॉपी ले लेनी है, आर्ट के साथ एक कॉपी ले ली यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अगर शेडो चाहिए तो यहाँ तक लेनी है। अगर यहाँ से चाहिए इस तरीके से तो यूं भी आप लेने, मतलब कि इस पॉइंट से शुरू होगी यहाँ तक जाएगी, ओके। और एक और आर्ट के साथ कॉपी लेके साइड कहीं पे भी रख दिया, यहाँ पे रख लें या यहाँ पे रख लें, जहाँ मर्जी आप इजीली रख सकते हैं। जहाँ पे आपका आपको सूट करे उस जगह पे इसको साइड पे रख लें, क्योंकि इसका बाद में काम आएगा वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। पहले जो मेन काम है वो इन दोनों का है, ठीक है। हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद इस वाले को और इस वाले को, जिन भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में आपने वो शेडो क्रिएट करना है उन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। ऊपर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, सबसे ऊपर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट का। आपने यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है जी ब्लेंड का। ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंड, और यहाँ से आप लोगों को ऑप्शन मिलता है जी मेक का। ऑब्जेक्ट में चले जाना है, ऑब्जेक्ट में चले जाने के बाद आपको मेक का ऑप्शन मिलता है। आपने मेक में चले जाना है, क्लिक कर दें और ये देख सकते हैं जी सारी की सारी बीच में उसकी काफी सारी कॉपीज बन चुकी है। दोबारा आपने जाना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट में चले जाने के बाद ब्लेंड में चले जाना और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा जी ब्लेंड ऑप्शन, ठीक है। कहाँ पे जाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिर ब्लेंड ऑप्शंस, क्लिक कर दें। क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों ने इसको गौर से बिल्कुल देखना है जी। यहाँ पे जो सेटिंग करनी है वो ये कि हमने स्पेसिंग को कर लेना है नीचे वाला स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ओके। एंड यहाँ पे इसको आपने कर देना है वन वन पिक्सल, ठीक है। वन पिक्सल कर देने के बाद हमने इसको ओके कर देना है। ओके कर देते साथ ही आप लोग देख सकते हैं जी यहाँ पे आपके सामने सारे का सारा पीछे ब्लैक हो चुका है, ठीक है, ओके। यहाँ पे इतना डालना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे तो समझ ही नहीं लग रही कि ये क्या चीज है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये कि जब आप ये जो सा टेक्स्ट फेस को सिलेक्ट कर लें, इसका जो कलर है वो ब्लैक की बजाय हम कर लेते हैं रेड, ठीक है, ओके। इसको सिलेक्ट करते हैं साथ में शिफ्ट के साथ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट को। यहाँ से आपने जो अलाइनमेंट करनी है वो आप लोग गौर से देख लें जी, करीब करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट लाइन करना है और टॉप लाइन करना है, ठीक है, ये लेफ्ट लाइन और टॉप लाइन। अब ये जो आपने जो क्रिएट किया है काफी सारा हैवी है, तो अब आप लोगों ने इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है जी। आप लोगों का जो लैपटॉप कंप्यूटर है थोड़ा सा वो इसको हिलाएगा, मतलब की तो आप लोगों ने परेशानी हो जाना, क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर अलाइनमेंट का अलाइनमेंट पूरी की पूरी हो रही होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा इशू आ जाता है। और यहाँ से लेफ्ट लाइन, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट लाइन नहीं करना, हमने राइट लाइन कर लेना, क्योंकि इसकी राइट साइड होने वाली है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो लेफ्ट लाइन करना है, जब इस तरीके से बनाएंगे तो राइट लाइन करना है। अब आप लोग लेफ्ट और राइट दोनों करके देख लेना, आपको जहाँ पे सूट करे वहां पे डन कर लेना। अब यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं जी ये अब आप लोगों के सामने इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे अब आप लोग खुद देख सकते हैं जी मिस्टर सुफान बहुत ही कमाल का यहाँ पे लिखा आ चुका है जी। यहाँ पे वो नीचे से एक शेडो शुरू हो रहा है, आता था यहाँ पे इस तरीके से उसको शो कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, छोटी थी बिल्कुल वीडियो, तो जिसके मैंने बात की कि लॉन्ग शैडो को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दें।